Hello, my beautiful people. How are you all? I'm your friend Manu. Welcome to my channel, My Life, My Space. तो friends, आज बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल का पनीर मसाला. तो friends, ढाबे में या रेस्टोरेंट्स में क्या करते हैं कि ग्रेवी को थोड़ा थिक करने के लिए वो लोग बेसन का इस्तेमाल करते हैं. तो हम लोग बेसन को, ये एक टेबलस्पून बेसन है, इसको हम थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं. तो ये बेसन हम रोस्ट कर रहे हैं. ये बस इसको बहुत ब्राउन नहीं करना है. तो फ्रेंड्स, ये हमारा बेसन भुन चुका है. इसको हम गैस बंद करके हमारी इस बोल में निकाल लेते हैं. और इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो हम मैंने ये पनीर के देखो बड़े बड़े पीसेस काट लिए हैं. अब ये जो मेरा पनीर है इसको थोड़ा सा मैरिनेट कर लेते हैं. चुटकी भर सॉल्ट, एक हाफ टी स्पून. और ये हमने डाल दी हमारी हल्दी और ये हमने डाल दिया लाल मिर्च. और इसको हम थोड़ा सा एक थोड़े से टाइम के लिए हम रख देंगे ताकि ये थोड़ा मैरिनेट हो जाएगा. बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बनती है, पूरे बिल्कुल ढाबा स्टाइल जैसी और इजी है बनाने के लिए. मैं यहाँ पे इसको बटर में थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ. बटर या असली घी या फिर जो भी आपके पास रेगुलर ऑयल में भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं. मीडियम आंच में इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे. सब हमारे इसमें पैन में आ गए. जैसे मैंने बताया कि साथ ही साथ आप अपनी किचन भी क्लियर करते जाइए. और थोड़ा सा इसका पानी छूट रहा है क्योंकि ये एक्चुअली हम लोग कल लेके आए थे तो इतना भी बहुत फ्रेश नहीं है, मतलब फ्रिज में एक दिन का रखा हुआ है तो इसलिए ये थोड़ा इसने अपना पानी छोड़ा है. तो आप घबराइए मत, कोई चिंता जैसी बात नहीं है. ये पानी सूख जाएगा और हमारा अच्छे से गोल्डन हो जाएगा हमारा पनीर. और हम क्या करते हैं, मैं ये इसको दूसरे इस पे रख देती हूँ फ्राई होने के लिए. और यहाँ पे हम अपनी दूसरी कढ़ाई को रीहीट करने रख देते हैं. तो फ्रेंड्स, ये हमारा कढ़ाई को प्रीहीट करने रख दिया था. इसमें हम करीबन 2 टेबलस्पून जैसा ऑयल डाल देंगे और यहाँ पे हम बटर भी डालेंगे. ये भी 2-1 टेबलस्पून बटर है. आप इसमें असली घी भी डाल सकते हो, बटर से भी बहुत अच्छा बनता है, इसका जायका बहुत बढ़िया आता है. और इसमें हम डाल रहे हैं चुटकी भर ये हमारा घी. और ये मैंने कुछ 3 मीडियम साइज अनियंस को चॉप कर दिया था, वो डाल देंगे. और इनको हम फिर अच्छे से भूनेंगे. इसको आप चाहें तो आप पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मैंने देखा है होटल्स और ढाबे में वो लोग मिक्सर में पीसते नहीं हैं, ऐसे ही फाइनली चॉप करके डालते हैं. तो करी बहुत बढ़िया बनती है इसकी.
बहुत ज़्यादा इसको करी वाला नहीं हमने बनाना, पानी तो बस बिल्कुल थोड़ा ही, 2 टेबलस्पून से ज़्यादा हमने पानी भी नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स ये हमारे अनियंस भी ब्राउन हो चले हैं और ये हमने पनीर हमारा थोड़ा सा मैरिनेट करने के बाद थोड़ा सा इसको थोड़ा सा फ्राई किया, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही तेल डालकर। फिर इसमें अब हम क्या करेंगे, हमारे जो ये हमने क्रश किया था करीबन 2.5 इंच जिंजर और 6-7 कलियाँ इसकी गार्लिक क्लोव्स की, ये डाल दी हमने और इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। अच्छे से भून लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे हमारा ये 3 टोमेटोज थे फ्रेंड्स, इसको मैंने ग्रेट किया है मिक्सर में, नहीं मैंने किया, आप मिक्सर में भी प्यूरी बना सकते हैं पर मैंने ग्रेट किया क्योंकि ये थोड़ा मुंह में भी आता है तो अच्छा लगता है ज़रा। और ये टोमेटो मेरे बहुत रेड नहीं है तो इसलिए मैंने ये जो सूखे मसाले हैं ना फ्रेंड्स, ये हल्दी है, ये मेरी जो नॉर्मल मिर्ची है वो, ये कश्मीरी मिर्ची है लाल मिर्च, और ये धनिया पाउडर, और ये गरम मसाला, और ये स्वाद अनुसार नमक। तो ये इसको हम थोड़ी सी मीडियम फ्लेम कर लेंगे गैस की और इसको थोड़ा सा अब हम चलाएंगे इसको, इसका पानी निकले तब तक। तो फ्रेंड्स ये हमने देखे टोमेटो डाला था, ये 3 टमाटर थे हमारे ग्रेटेड और अब इनका देखो पानी सूख गया है, तो इस पॉइंट पे हम डाल देंगे हमारे ये मसाले और अच्छे से चला लेते हैं। यहाँ अगर आपको कुछ लगता है कम ज़्यादा तो आप कर सकते हैं पर मेरे ख्याल से सब बढ़िया है एकदम। और अब इस पॉइंट पे हम डाल देंगे ये हमारी बेसन जो हमने रोस्ट किया था, ये टेक्सचर भी बहुत अच्छा बना देती है सब्ज़ी का और सब्ज़ी को अच्छी कंसिस्टेंसी दे देती है, अच्छी गाढ़ी हो जाती है सब्ज़ी इससे। बढ़िया से हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा मसाला कितना बढ़िया भुन गया है। अब हम थोड़ा सा पानी, क्योंकि नीचे लगेगा थोड़ा सा पानी हमें चाहिए, तो बस इतना ही हम पानी डालेंगे इसमें। और इस पॉइंट पे फ्रेंड्स बस 1 मिनट के बाद हम ये जो हमने हरी मिर्ची स्लिट की हैं, ये 2 तो मैंने डार्क ग्रीन की हैं जो कि मुझे और मेरे बेटे को बहुत पसंद हैं, और ये फीकी वाली हैं, तो ये बहुत सुंदर भी लगती हैं। और अब हम इसमें, ये हमें 1-2 मिनट हो गया इसे चलाते हुए, ये थोड़ी सी हमने फ्रेंड्स दही को अबाउट 2 टेबलस्पून दही भी हम इसमें डाल देंगे, एक अच्छा सा और टैंगी सा फ्लेवर, बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है। दही भी डाल दी है, देखें हमारी ढाबे स्टाइल पनीर मसाला बस 1-2 मिनट में बस तैयार होगा। और यहाँ पे ये हमने जो अपने फ्राई किए थे पनीर के पीसेस वो भी हम डाल देंगे और ये बहुत ही मज़े की बनती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें चाहें तो 1-2 टेबलस्पून क्रीम भी डाल सकते हो, घर की मलाई या क्रीम वो भी डाल सकते हैं। और बस इसे हम गार्निश कर देंगे मेरे फेवरेट कोरिएंडर लीव से। ये कुछ ऐसे मैं स्टोर कर लेती हूँ हरा धनिया, ये हम थोड़ा पहले डाल देंगे। तो फ्रेंड्स 2-3 मिनट हो गए हैं, वाह क्या बढ़िया मज़ेदार बना है हमारा पनीर मसाला ढाबे स्टाइल वाला मेरे स्टाइल से। तो फ्रेंड्स बस इसको मैं जल्दी से गार्निश कर देती हूँ
और जाते जाते आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बता दूं कि हमने पनीर अपनी डाइट में क्यों इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो ये पनीर जो है ये हमारी बॉडी को बिल्ड करता है फ्रेंड्स, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, ये हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये हमारी जॉइंट पेन्स को रिड्यूस करता है, ये हार्ट हेल्दी है, और लेडीज़ को जो मेनोपॉज में स्ट्रेस होता है वो ज़रूर आप लोगों को अपनी डाइट में इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो जल्दी से इसकी प्लेटिंग कर देते हैं फ्रेंड्स, और मैं आशा करती हूँ कि आपकी ढाबा स्टाइल पनीर मसाला जो कुछ मेरे स्टाइल का है वो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। तो फ्रेंड्स जल्दी से फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, नमस्ते।